बिहार के भागलपुर में एक बड़ा हादसा हुआ है। भागलपुर में गंगा नदी में नाव पर सवार 5 यात्रियों के डूबने से मौत हो गई है। खबरों के मुताबिक नाव पर वजन बहुत अधिक था और करीब 100 लोग इस पर सवार थे, जिसके चलते नाव पलट गई। अब तक 5 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल बताए जा रहे हैं। वहीं आशंका जताई जा रही है कि आने वाले समय में मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि कई नाव सवार अब तक लापता बताए जा रहे हैं। दरअसल ये हादसा नौगछिया के करारी तीन टंगा दियारा में हुआ है। नाव में 100 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी थे। ये लोग सुबह गंगा पार वाले दियारा स्थित अपने खेतों में मकई की बुआई के लिए नाव से लोग निकले थे। नाव महतो बहियार घाट से रवाना हुई, तब हालात सामान्य थे। जैसे ही नाव दर्शनिया धार में गई, वहां के तेज बहाव में भंवर में फंस जाने की वजह से नाव पलट गई। दियारा जा रहे अन्य गांवों के लोग भी घाट पर मौजूद थे, जिन्होंने आधा दर्जन लोगों को डूबने से बचा लिया। आपको बता दें कि मौके पर स्थानीय प्रशासन की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इसके साथ ही SDRF की टीम मौके पर रवाना कर दी गई है। नाव पलटने के कारण गांव में अफरा तफरी का माहौल है। घायलों का इलाज स्थानीय PHC में चल रहा है। न्यूज़ डेस्क।